ऑल राइट, सो अब हम लोग काम करेंगे प्रोफाइल पेज के लिए। ओके, सो अगर यूजर प्रोफाइल टैब पे क्लिक करता है तो यूजर को उसके डिटेल्स देखेंगे, अपने डिटेल्स देखेंगे एंड जो यूजर्स ने कोड किए हैं वो कोड क्रिएट किए हैं वो सब देखेंगे। ऑल राइट, बट मैंने ये रियलाइज किया कि हम लोगों ने तो रिजॉल्वर बनाया ही नहीं है। लॉग्ड इन यूजर की इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलेगी टोकन से हम लोग को वापस डिकोड करना पड़ेगा यूजर, एंड देन फिर यूजर कलेक्शन में सर्च करने पड़ेंगे यूजर के डिटेल्स। तो वो तो हम लोगों ने रिजॉल्वर बनाया ही नहीं है, चलो बनाएंगे। तो जब कोड करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ओके, कैसे इंप्लीमेंट होगा ये, बट एक चीज मेरे को करनी है कि यहाँ पे यू नो सारे कोड्स मुकेश ने ही क्रिएट किए, एक नया यूजर साइन अप करते हैं यार। ओके, मे बी उसका नाम होगा आदित्य, AD IIT आदित्य, लास्ट नेम आदित्य, ओ नॉट आदित्य कुमार, लेट्स से ईमेल विल बी AD@AD.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5, सबमिट एंड यप साइंड अप हो गया यूजर। एंड यप एक बार हम लोग अब लॉग इन कर लेते हैं AD@AD.com, पासवर्ड विल बी 1 2 3 4 5, लॉग इन। एंड एक बार मैं सेफ साइड में रहने के लिए पेज रिफ्रेश करूंगा लॉग इन होने के बाद, एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा क्रिएट पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से कोड क्रिएट करते हैं, आई एम आदित्यास ADIT आदित्यास QOT क्रिएट, एंड कोड सेव सक्सेसफुली। ऑल राइट, अगर हम लोग होम पे जाएं तो दिख रहा है आई एम आदित्यास, कोड स्पेलिंग गलत हो गई है, चलो बट ये कोड आदित्य ने क्रिएट किया। ऑल राइट, तो अब हम लोग को डिफरेंट यूजर एटलीस्ट दिख रहा है। तो अब हम मैं प्रोफाइल पे जाऊं तो यहाँ पे आदित्य की इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए एंड जो कोड आदित्य ने क्रिएट किया वो दिखना चाहिए। आदित्य कौन है? आदित्य लॉग्ड इन यूजर है। ठीक है, कैसे होगा ये चीज? सबसे पहले हम लोग को उसके लिए रिजॉल्वर एंड स्कीमा बनाना पड़ेगा। लॉग्ड इन यूजर की इन्फॉर्मेशन आएगी टोकन में। ठीक है, टोकन हमारा है इधर रखा हुआ है, कहाँ गया अप्लीकेशन, ये रहा हमारा टोकन, एंड इस टोकन को हम लोग अटैच करके हेडर में भेज रहे हैं, कहाँ गया हमारा index.js। ओके, तो इस टोकन को हम लोग हेडर में अटैच करके भेज रहे हैं, तो इस टोकन से वापस हम लोग को यूजर डिकोड करना पड़ेगा। राइट, यस। सो उसका लॉजिक हम लोगों ने लिखा हुआ है हमारे server.js में। ओके, सो ऑथराइजेशन से हम लोग टोकन, ऑथराइजेशन में हमारा टोकन आता है, टोकन से हम लोग वापस यूजर आईडी डिकोड कर रहे हैं। ओके, अब जस्ट हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को रिजॉल्वर में जाना है, सबसे पहले तो हम लोग को स्कीमा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी में मैं लेट्स से लिखता हूँ माय प्रोफाइल करके क्वेरी बना रहा हूँ, माय प्रोफाइल क्वेरी, एंड ये पैरेंथेसिस नहीं आएगा। ओके, क्योंकि कोई भी आर्गुमेंट हम लोग पास नहीं करेंगे क्लाइंट साइड से, एंड ये रिटर्न करेगा लॉग्ड इन यूजर। ओके, सो एक यूजर रिटर्न करेगा, इसका टाइप होगा यूजर जो रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, सो अब ये माय प्रोफाइल, ये क्वेरी के लिए हम लोग को इस क्वेरी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो रिजॉल्वर बनाना पड़ेगा इसके। सो रिजॉल्वर में आते हैं एंड यहाँ पे इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेरीज में कॉमा दे के कंट्रोल वी, माय प्रोफाइल के लिए हम लोग रिजॉल्वर बना रहे हैं। ठीक है, माय प्रोफाइल क्वेरी के लिए तो एसिंक्रोनस फंक्शन होगा अगेन, एंड यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट से हम लोग को मतलब नहीं है, दूसरे आर्ग्यूमेंट से भी हम लोग को मतलब नहीं है, आर्ग्स नाम दे देता हूँ, तीसरे आर्ग्यूमेंट से मतलब है, तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है कंटेक्स्ट, एंड उस कंटेक्स्ट से हम लोग को क्या डिस्ट्रक्चर करना है, यूजर आईडी। ओके, ये हम लोगों ने पहले भी किया था, देखो यहाँ पे कहाँ पे किया था, ये हम लोगों ने किया था क्रिएट कोट में, देखो कंटेक्स्ट से हम लोग यूजर आईडी ले रहे थे। राइट, ओके, यूजर आईडी मिलेगा एंड ये होगा एरो फंक्शन। ओके, सो इफ अगर यूजर आईडी नहीं है तो हम लोग एरर थ्रो करेंगे, ये रहा ये वाला एरर थ्रो करेंगे, कंट्रोल सी यू मस्ट बी लॉग्ड इन थ्रो करेंगे, कंट्रोल वी। ये कब आएगा? जब हमारे पास हेडर्स में टोकन नहीं होगा। ठीक है, टोकन नहीं होगा तो यूजर आईडी डिकोड नहीं हो पाएगा उस टोकन से। सो अगर यूजर आईडी अवेलेबल ही नहीं होता है हमारे पास तो हम लोग एरर थ्रो करेंगे, यू मस्ट बी लॉग्ड इन। ओके, यस, हाँ, तो यूजर को लॉग्ड इन होना पड़ेगा ये पेज देखने के लिए, प्रोफाइल पेज देखने के, ऑब्वियसली सीधी सी बात है ना। हाँ, सो अब हमारे पास लॉग्ड इन यूजर की आईडी है इसमें, है ना, तो अब हम लोग को क्या करना है, बस अब हम लोग को यहाँ पे यूजर कलेक्शन में क्वेरी करना है, फाइंड वन, एंड फाइंड वन में अंडर यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड आईडी,
जिस यूजर की आईडी इक्वल होती है हमारे इस यूजर आईडी के, जो यूजर लॉग्ड इन है, ओके वो रिकॉर्ड मेरे को चाहिए है ना, वो डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए, यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा एंड इसी चीज को हम लोग रिटर्न कर देंगे। सिंपल सी, हमारा रिजॉल्वर बनके तैयार हो गया। या सो हम लोग हेडर्स से टोकन पास करेंगे, ठीक है, उस टोकन से यूजर रिट्रीव होगा, वो हमारा इधर लिखा हुआ है लॉजिक, टोकन से यूजर रिट्रीव होगा एंड देन ये कंटेक्स्ट में हम लोग रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। सो रिजॉल्वर में हम लोग कंटेक्स्ट से डीस्ट्रक्चर करें यूजर आईडी, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं, कहाँ गया, यहाँ पे कंटेक्स्ट यूजर आईडी हम लोग डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर रहे हैं भाई आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो एरर थ्रो कर दो, अगर आईडी एग्जिस्ट करता है तो हमारे यूजर कलेक्शन में हम लोग को फाइंड करना है वो यूजर जिसकी अंडरस्कोर आईडी, यस यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी इक्वल होगी हमारे लॉग्ड इन यूजर के आईडी के, ओके दैट्स इट, सिंपल। एंड नाउ अब हम लोग हमारे क्लाइंट साइड पे, दैट इज ये क्लाइंट साइड में हम लोग सबसे पहले ग्राफक्यूएल ऑपरेशंस में क्वेरीज लिखेंगे, ठीक है, क्वेरी लिखते हैं इस चीज के लिए। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट ex एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सी ओ कॉन्स्ट, लेट्स से इस क्वेरी को मैं नाम देता हूँ मे बी गेट माई प्रोफाइल, सब कैपिटल में रखते हैं, गेट माई प्रोफाइल एंड जी क्यू एल बैकटेक्स, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेरी, ये थोड़ा सिंटेक्स कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके क्वेरी, एंड उस क्वेरी को कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से गेट माय प्रोफाइल एंड हम लोग को माय प्रोफाइल ये क्वेरी चलानी है, माय प्रोफाइल, एंड ये माय प्रोफाइल हम लोग को रिटर्न करेगा यूजर, ओके okay, अब यूजर का हम लोग को क्या क्या शो करेंगे प्रोफाइल पेज पे, हम लोग फर्स्ट नेम शो करेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके बाद हम लोग शो करेंगे लास्ट नेम, उसके बाद हम लोग शो करेंगे ईमेल यूजर का प्रोफाइल पेज पे एंड हम लोग को उस यूजर ने क्या क्या कोड्स क्रिएट कर रहा है, राइट। तो कोड्स एक अरे है क्यू यू ओ कोड्स एंड उस कोड्स से भी हम लोग को नेम, हर एक कोड का हम लोग को नेम चाहिए चाहिए बाय नहीं चाहिए, राइट, यस। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे स्कीमा में हमारे पास यह यूजर एंड यूजर में है कोड्स जो कि एक एरे है, राइट, ओके। सो जो भी यूजर ने कोड क्रिएट किया वो उसका हम लोग को नेम चाहिए, ऑलराइट, ये मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। गेट माय प्रोफाइल क्वेरी चलानी है, हम लोगों ने ये स्कीमा बना लिया रिजॉल्वर पे, राइट, एंड इस क्वेरी को कैसे रिजॉल्व करना है वो भी हम लोगों ने रिजॉल्वर में बनाया, ठीक है, ओके ये देखो इस माय प्रोफाइल क्वेरी को कैसे रिजॉल्व करना, उसका लॉजिक लिख लिया एंड आई थिंक वी आर गुड। अब बस हम लोग को क्या करना है, हमारे इस कहाँ है कंपोनेंट एंड यहाँ पे है प्रोफाइल, ओके, अब यहाँ पे डेटा को डायनेमिक करना है हम लोग को, सिंपल है, बस हम लोग को यहाँ पे यूज क्वेरी यूज करना है एंड इसके अंदर पास करना है गेट माय प्रोफाइल, ओके, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, ब्यूटीफुल, एंड ये रिटर्न करेगा हम लोग को कॉन्स्ट, सो ये रिटर्न करेगा हम लोग को लोडिंग लोडिंग एंड एरर एंड डेटा। तो जब तक ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है तब तक लोडिंग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, जैसे ही इस क्वेरी से हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, तो लोडिंग फॉल्स हो जाएगा, ओके। अभी एरर कब आएगा, जब यूजर मान लो लॉग्ड इन नहीं होगा, मतलब हमारे इधर लोकल स्टोरेज में टोकन एक्सिस्ट नहीं होगा, ओके, एंड यूजर प्रोफाइल पेज पे विजिट करेगा, मे बी ऐसे यूजर मैन्युअली टाइप करेगा, ठीक है, प्रोफाइल विजिट करेगा तो ये एरर आएगा। तो हम लोग लॉजिक लिखेंगे कि अगर यूजर मैन्युअली प्रोफाइल पेज पे विजिट करता है ना, तो यूजर रिडायरेक्ट हो जाए लॉग इन पेज पे, ठीक है, ऐसा कुछ लॉजिक लिखेंगे। सो इफ अगर कोई एरर होता है तो हम लोग उसको अभी के लिए जस्ट कॉन्सोल डॉट लॉग करेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग द एरर, मैं दिखाऊंगा एरर कब आएगा, ठीक है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, लॉग आउट करूंगा यहां से एंड मैन्युअली प्रोफाइल पे विजिट करूंगा, तब एरर आएगा, ठीक है, मैं दिखाऊंगा उसको भी, हम लोग सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पे एंड अगर यूजर
अगर लोडिंग ट्रू होता है, राइट? सो इफ अगर लोडिंग ट्रू होता है तो इन दैट केस हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न मे बी एच टू प्रोफाइल इज लोडिंग, ओके एंड या दैट्स इट। अगर डेटा मिल जाता है हम लोग को सो हम लोग क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आओ इधर इस यूआरएल में, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग को डेटा हम लोग को क्या मिलेगा क्या, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि माई प्रोफाइल क्वेरी है, ठीक है? सो हम लोग डेटा डॉट माई प्रोफाइल लिखेंगे, उसके बाद डेटा डॉट माई प्रोफाइल डॉट फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम डॉट ईमेल ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको कुछ एलियास नेम देना चाहते हो तो दे सकते हो, दे देते हैं, यूजर नाम दे देते हैं मे बी, ओके यस यूजर ना एलियास नेम दे देते हैं। सो अब हम लोग डेटा डॉट यूजर डॉट फर्स्ट नेम लिख पाएंगे, डेटा डॉट यूजर डॉट लास्ट नेम लिख पाएंगे, ये ज्यादा बेटर होगा। यप ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे इसको डायनेमिक बनाते हैं ये सोर्स को। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा दीज ब्रैकेट्स एंड यहाँ पे इस कोड्स को मैं डालूंगा बैकटिक्स के अंदर, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं इस राम को डायनेमिक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डॉलर एंड दीज ब्रैकेट यूज कर सकता हूँ, टेम्पलेट लिटरल्स, ओके? एंड यहाँ पे मैं डेटा में से एक्सेस करूंगा यूजर डॉट फर्स्ट नेम, ओके? ये डायनेमिक हो गया हमारा। तो इस यूजर के नेम के बेसिस पे एक रैंडम रोबोट का इमेज जनरेट होगा, ब्यूटीफुल, ओके? अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट यूजर डॉट फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट यूजर डॉट लास्ट नेम एंड कैपिटल रखना है, ऑल राइट, एंड ईमेल। सो अगेन डेटा डॉट यूजर डॉट ईमेल एंड एंड अब योर कोड्स एक अरे है, राइट? तो इटरेट करना पड़ेगा उसमें हम लोग को। सो डेटा डॉट यूजर डॉट क्यू यू ओ कोड्स डॉट मैप करना पड़ेगा, और इसके अंदर हम लोग को इंडिविजुअल क्यू यू ओ कोड मिलेगा एंड हम लोग को बस ये रिटर्न करना है यहाँ से, रिटर्न एंड इस रिटर्न के अंदर ये डालना है, बूम। एंड यहाँ पे हम लोग को शो करना है कोड डॉट नेम, उस कोड का नाम। दैट्स इट, सिंपल, वी आर डन। यप आई थिंक वी आर डन, दिस शुड लुक गुड, आई थिंक सो। यप ओके। ये एरर वाला लॉजिक लिखना है अगर यूजर मैन्युअली अगर प्रोफाइल पेज विजिट करेगा तो उसका हम लोग लॉजिक लिखते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग को एरर दिखेगा, ठीक है? ओके लेट्स सेव दिस एंड या सो नाउ लेट्स गो टू, देखो प्रोफाइल इज लोडिंग दिख रहा है, ओके? लेट्स गो टू कॉन्सोल एंड लेट्स सी इफ देयर इज एनी एरर। वापस हम लोग जाएंगे प्रोफाइल पेज पे, यस ये रहा, हो गया लोड। वाओ रोबोट तो मस्त लोड हुआ है, इमेज देखो एकदम प्यारी लग रही है। आदित्य कुमार ईमेल एंड आदित्य ने एक ही कोड क्रिएट किया, आई एम आदित्य कोड, ओके? अगर मैं एक और कोड क्रिएट करता हूँ सो वो भी हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आई एम एडी कोड टू क्रिएट एंड कोड क्रिएट सक्सेसफुली, प्रोफाइल पे जाऊंगा। सो अच्छा यहाँ पे ओके, तो क्रिएट होने पे ये फिर से चलना चाहिए, राइट? ये क्वेरी अभी ये क्या हो गया, कैश कर लिया है अपोलो क्लाइंट ने, कैश कर लिया डायरेक्टली, ये रिजल्ट कैश से आ रहा है। अगर बट मैं होम पेज पे जाऊं तो हम लोग को दिखेगा आई एम एडी कोड टू, ये देखो आदित्य ने दो कोड क्रिएट किए, प्रोफाइल पे नहीं दिख रहा है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि प्रोफाइल पेज पे जो कोड है वो भी रिफ्रेश हो जब हम लोग क्वेरी क्रिएट करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट क्वेरी में जा सकते हैं और सॉरी क्रिएट कोड पे जा सकते हैं। आई मीन कि जब हम लोग कोड क्रिएट करते हैं तो प्रोफाइल वाला प्रोफाइल पे जो क्वेरी चल रहा है ये फिर से चलना चाहिए, फ्रेश चलना चाहिए, राइट? कैश कैश से नहीं आना चाहिए डेटा, ओके? सो इन दैट केस फेच क्वेरीज में आप लोग क्या कर सकते हो,
यू नो वॉट, यहाँ पे ये डालने की वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम डालने का, डालने से भी चलेगा काम, गेट ऑल कोट्स। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक और नाम डालेंगे हम लोग हमारे इस चलते हैं इस क्वेरीज में, एंड क्वेरी का नाम है गेट माई प्रोफाइल, राइट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके लेट्स सेव दिस एंड या नाउ दिस विल वर्क लाइक अ चार्म, लेट्स सी। अब मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा आई एम न्यू आदित्य खोट। ओके क्रिएट एंड आप लोग होम पे जाओगे तो दिख रहा है आई एम आदित्य कोड, अगर मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा तो आई एम न्यू आदित्य कोड दिख रहा है। ओके सारे अब कोड्स दिख रहे हैं हम लोग, ऑल राइट, ब्यूटिफुल, ऑसम, अमेजिंग। सो ये हमारा प्रोफाइल पेज इज नाउ वर्किंग गुड। एक बार लॉग आउट करें, एक बार मुकेश से साइन अप करके देखते हैं, mukesh@mukesh.com, पासवर्ड विल बी 12345, लॉग इन एंड बूम देयर वी गो। अब प्रोफाइल पे चलता हूँ मुकेश की प्रोफाइल पे, सो ये वाह, सो हम लोग को मे बी लेट्स रिफ्रेश इट एंड वाह। ओके सो आई डोंट नो कुछ इश्यू है बट स्टिल इट्स वर्किंग। ओके रिफ्रेश पे काम कर गया, लॉजिक वाइज तो हम लोग करेक्ट हैं, कभी कभी हम लोग को रिफ्रेश करना पड़ रहे हैं चीजों को, ठीक है चलेगा चलेगा। हाँ सो अब मैं क्या बोल रहा था, सपोज अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से। अब मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ प्रोफाइल पेज पे स्लैश प्रोफाइल, अब आएगा एरर, ठीक है अब आएगा एरर, यू मस्ट बी लॉग्ड इन, समथिंग लाइक दैट एरर आना चाहिए। देखो यू मस्ट बी लॉग्ड इन दिखा रहा है ना, ठीक है अब इसको कैसे फिक्स करेंगे, सो चेक दिस आउट। हाँ अगर हमारे लोकल स्टोरेज में यहाँ पे हम लोग बस एक कंडीशन लिखेंगे दैट ओके यहाँ पे बस एक कंडीशन लिखेंगे, इफ अगर हमारे लोकल लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड आइटम के अंदर टोकन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है यहाँ पे नॉट लगाएंगे, अगर एक्सेस नहीं करता है तो भाई हम लोग को यहाँ पे नेविगेट नेविगेशन इंपोर्ट करना पड़ेगा, नेविगेट करना यूजर को वापस उस पे लॉग इन पेज पे, यूज NAVI यूज ए डोंट नो सेशन नहीं आ रहा, चलो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम एंड यूज नेविगेट। ओके यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर को नेविगेट करेंगे स्लैश लॉग इन पेज पे। ओके एंड मे बी रिटर्न भी कर लेते हैं कुछ, रिटर्न कर लेंगे H1 NAUTHORIZED अनऑथराइज्ड। ओके एंड दिस विल वर्क। ओके लेट्स लेट्स सेव दिस, अब आप लोग देखोगे देयर वी गो स्लैश अगर मैं प्रोफाइल पे विजिट करूं, सो हम लोग लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं, राइट देखो मैं फिर से जा रहा हूँ स्लैश प्रोफाइल पे विजिट करूं, सो मैं लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टोकन है नहीं इसीलिए। ओके अब अगर मैं वापस लॉगिन करता हूँ लेट्स से mukesh@mukesh.com पासवर्ड 12345 लॉग इन एंड ओवा यूजर डजेंट एग्जिस्ट विद दैट ईमेल mukesh@mukesh.com ही था ना 12345 लॉग इन या सो मैंने मे भी कुछ टाइपो किया होगा यस। सो अब मैं प्रोफाइल पे जाऊं तो अब मेरे को प्रोफाइल दिखनी चाहिए, रिफ्रेश करते हैं एंड या दिख रही है, पहले एरर क्यों आया था आई डोंट नो, थोड़ा सा बग है, कैश के कारण में भी ये इशू हो सकता है, यस कैश के कारण इशू है, कैश करेक्टली नहीं काम कर रहा है बट ओके हियर यू कैन सी नाउ अगेन प्रोफाइल पे जा रहा हूं तो मेरे को प्रोफाइल दिख रही है। ओके ये रही, सो या थिंग्स आर वर्किंग। एक और हम लोग फीचर डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं भी जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, जैसे मुकेश पे क्लिक करूँ तो मेरे को मुकेश की प्रोफाइल खुलनी चाहिए एंड मुकेश ने जो कोड क्रिएट किए हैं वो उस स्क्रीन पे दिखने चाहिए, तो ये फीचर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट लेसन में।